हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमरिकल। हम लोग इसलिए इसको पढ़ ले रहे हैं ताकि हम लोग ये जान गए थे कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो हमें मालूम नहीं था, तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। एक पहला जो मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, पैरेललोग्राम जिसको नहीं मालूम हो इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। ओके, तो हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अच्छा एरिया कैसा, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करने के लिए, कौन सा यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे वो देख लेना। सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप इस तरह से लिख लोगे। आई के साइड क्या है 1, जे के साइड माइनस 2, के साइड 3। यहां देख लेना आई के साइड 2, जे के साइड 1, के साइड माइनस 4। सबसे पहले आई कैप लिख दिए। ओके, आई वाला को ढके तो हो जाएगा पहले माइनस 4, हो जाए 8 प्लस 8 माइनस 3। अच्छा तेरे के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अच्छा आप जो किए भैया, ये इसको ढके इसको ढके, तो ये हो गया माइनस 4 टू जाए 8 हो गया, पर माइनस माइनस प्लस हो गया। आप पहले इसको लिख दिए, आप पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके पहले 3 का ही लिखे। हाँ तुम लोग ऐसा लिख सकते हो दोस्त, बस यहाँ पे प्लस की जगह सैंपल माइनस में हो जाएगा। पूछो कैसे, याद कर जब हम लोग पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए था ये मेरा, सॉरी वेक्टर बी था ये, और ये वेक्टर ए था, एक और इस तरह से था वेक्टर बी, ये था वेक्टर ए। जब हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाले थे तो हमारा आया था वेक्टर सी ना, एक नया वेक्टर इधर की ओर। इधर भी जब निकाले थे बी क्रॉस ए तो एक आया था माइनस वेक्टर सी। दोनों ओर सी आ रहा है, बस क्या हो रहा है सैंपल चेंज हो जा रहा है। यानी यहां हम निकाले थे ए को बी से मल्टीप्लाई किए थे, यहां क्या किए थे बी को ए से मल्टीप्लाई किए थे, है ना। तो यहां भी तुम बोल रहे हो कि पहले इसको ना लिखने के बजाय हम पहले इसको लिखेंगे, तो लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां क्या हो गया सैंपल चेंज हो गया, सेम वही आया, ए को बी से मल्टीप्लाई किए सी आया, यहां बी को ए से मल्टीप्लाई किए सी आया, बस डायरेक्शन अलग होता है। इसलिए अगर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो यहां पर सैंपल का चेंज हो जाएगा, यह ध्यान रखना। इसलिए जैसा रूल है जिस तरह से चला जाता है उसी तरह से करोगे, वरना अगर जहां थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। ओके, अगर हम मान ले कि इसको पहले से लिख दिए 3 और बाद में यहां पे 8 लिखेंगे तो होगा क्या कि हम पहले वहां पे आई की जगह क्या करना होगा, प्लस की जगह सैंपल माइनस लगा देना होगा। ओके, अब देखना दोस्त यहां पर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई का ढके 8 माइनस 3, फिर यहां जे के लिए क्या होता है माइनस जे, इसको ढक दो माइनस 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस के कैप, के वाला को ढक देना है ये वाला और ये वाला, तो 1 माइनस माइनस 4। अब देखोगे यहां पर 5 आई कैप माइनस जे माइनस 10 प्लस के हो गया 1 प्लस 4। अब देखोगे यहां पर 5 आई कैप माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप, अब आगे देखोगे प्लस 5 के कैप। यहां तक क्लियर हो गया, लेकिन ये जो हमें बता रहा है ये वेक्टर के फॉर्म में है, और हम लोग जब भी किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो उसको मैग्नीट्यूड में लेकर के आते हैं, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इधर मिटाते हैं दोस्त, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं ये देख ले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है का एरिया है
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ के कैप है प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, 25 प्लस 100 प्लस 25 बराबर क्या हो गया 150। तो 150 का हम लोग क्या निकालते हैं, रूट निकाल लेते हैं इसका। कैसे निकलेगा 150 दो सचे 14 दो पचे 10 तीन से तीन दूना 6 तीन पचे 15 पांच पचे 25 तो हो जाएगा इसका क्या 5√6। और हम लोग जब भी एरिया निकालते हैं तो वो इसका यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है, तो इस तरह से लिख दोगे स्क्वायर यूनिट, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते तुम ये सीख गए होगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कैसे।